हेलो मेरे परदेसी भाइयों, आज का वीडियो आपके लिए है। जो भी क्यूआर का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उनका जो पासवर्ड जो है भूल जाते हैं कभी कभी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना पासवर्ड जो इजी वे में जो है रिसेट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अगर आप क्यूआर पे रजिस्टर्ड हैं, आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो इस वीडियो को देख कर आसानी से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है क्यूआ पे, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्यूआ का एप्लीकेशन कैसे रजिस्टर करना है उसका पूरा फुल वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। आप उसे देखकर आसानी से जो है अपना क्यूआ का एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए मैं अपलोड करता हूँ, अपने परदेसी भाइयों के लिए अपलोड करता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पे चले जाएं। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद ऊपर में देख सकते हैं आपको लिखना है क्यूआ। क्यूआ लिखने के बाद सर्च कर दें। तो सबसे पहले जो ऊपर में आप देख सकते हैं कि क्यूआ का एक ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूं। ये हमारा जो है क्यूआ का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ऊपर में आप देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन है, मैं आपको अंडरलाइन करके दी, ये थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको शो करेगा, पहला रजिस्टर, दूसरा साइन इन और तीसरा आपको लैंग्वेज है। तो अगर आपका अरबी में आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसे अरबी में कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं इंग्लिश का ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इंग्लिश पे कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको अरबी में आया तो इस तरीके से आप आसानी से अरबी इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ऊपर में आप थ्री डॉट का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लें। नीचे में बीच में देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन है, तो सिंपली आप जो है साइन इन पे क्लिक कर जाएं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका एकामा नंबर मांगे या पासवर्ड मांगे, क्योंकि हम लोग तो एकामा नंबर तो याद है लेकिन पासवर्ड भूल चुके हैं। तो सिंपली आप आई फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके और इसके साथ चले जाएं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक नेशनल एकामा आईडी नंबर मांग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप अपना एकामा नंबर टाइप कर दें, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, जो आपका एकामा नंबर है वो टाइप कर दें। तो मैं टाइप करने के बाद वेरीफाई इन माई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। उसके बाद देख सकते हैं इस पर आपको एक पॉपअप आया है, यानी कि क्यूबा की तरफ से आपको एक मैसेज आया होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एक मैसेज आ चुका है, तो मैं सिंपली अपना मैसेज ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के लिए ये देख सकते हैं ये क्यूबा की तरफ से मुझे मैसेज आया है, फॉरगेट पासवर्ड रीसेट करने का लिंक है। सिंपली आप इस पर क्लिक कर लें और उसके देख सकते हैं यहां पे ओपन यूआरएल है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसके साथ आपको एक दूसरा विंडो खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रीसेट पासवर्ड का जो विंडो है खुल गया है। तो अब हमें एक पासवर्ड आएगा अफसर की तरफ से, जो आपका अफसर से मोबाइल लिंक है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक अफसर की तरफ से पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड आ गया, ये मैं पासवर्ड अपना फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन है, इसे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ये हमारा रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। तो सिंपली आप जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर लें। लेकिन पासवर्ड टाइप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पासवर्ड आपको कैसे रीसेट करना है। तो पासवर्ड जैसे डेमो के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कोई नाम है चाहे कुछ भी है, तो पहला अक्षर जो है यानी पहला वर्ड जो है वो कैपिटल यानी बड़ा में रखना है। उसके बाद सारा वर्ड है उसे छोटा में रखना है। उसके बाद एक कोई भी सिंबल हैशटैग का या फिर क्वेश्चन मार्क का या फिर जो भी आप चाहें एक सिंबल उसके साथ देना है। उसके बाद नंबर देना है, लेकिन मिनिमम आपको 10 डिजिट का पासवर्ड बनाना पड़ेगा तभी आपका पासवर्ड यहाँ पे बनेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड को सीधा जैसे तैसे टाइप करते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं कि नीचे में बहुत सारा कैटेगरी है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आपका पासवर्ड क्रिएट होगा। तो आपको इसी तरीके से पासवर्ड बनाना है जैसे मैंने आपको बताया है। फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ,
कि पहला अक्षर जो है आपका बड़ा होगा यानी कैपिटल होगा, फिर बाकी सारा जो वर्ड है वो स्मॉल में होगा यानी छोटा में होगा। उसके बाद एक सिंबल कोई भी आपको यूज़ करना है, हैशटैग, एट द रेट या फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर आपको नंबर यूज़ करना है, लेकिन ये पूरा चीज़ जो होने के बाद 10 नंबर का आप 10 डिजिट का जो है पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से ही पासवर्ड बना लेता हूँ। तो ये मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे रिसेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जो आपने ऊपर में पासवर्ड बनाना है, सेम पासवर्ड आपको नीचे में फिल कर लेना। तो मैं सेम पासवर्ड को नीचे में फिल कर लेता हूँ। और फिल करने के बाद नीचे में देख सकते हैं सेव न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसे सेव कर दें। ये देखिए अंडरलाइन है, उसके बाद इसे सेव पे, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रीसेट पासवर्ड ओके हो गया है। देख सकते हैं पासवर्ड वॉज चेंज लॉगिन। तो अब मैं अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर आप अपना यहाँ पे डाल लें, मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि मेरा पासवर्ड रीसेट हुआ कि नहीं। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। ये अकाउंट नंबर इस एरिया में आपको डाल देना है, तो मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे में जो है आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा ये, तो इसमें आपको पासवर्ड जो अभी आपने बनाया है सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना, टाइप कर देना। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और नीचे पे देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो सिंपली जो है यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक OTP आएगा जो इस पर आपने क्यूबा के नंबर से लिंक करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे OTP आ गया है, मैं सिंपली जो है अपना OTP यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो टाइप करने के बाद नीचे में देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन है, ये देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ, ये साइन इन का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दें। यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं लॉग इन हो गया हूँ, कुछ देर के बाद ये एक विंडो खोल देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूरा विंडो जो है क्यूबा का ओपन हो गया, मैंने पासवर्ड पूरा रिसेट कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा नाम भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से अपना क्यूबा का जो पासवर्ड है उसे ईजी वे में रिसेट भी कर सकते हैं और आसानी से लॉगिन भी कर सकते हैं। तो इतना टेंशन ना ले, अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते इस वीडियो को देख के आसानी से अपना क्यूबा का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए